हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की सिर्फ एक क्लास कैंसिल हुई थी। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक तो कैंसिल हुई, अभी और दो क्लास बाकी है तो उसे अटेंड करने उठी हूँ मैं। एंड मुझे भूख भी लग रही थी और किचन से यमी अरोमा आ रहा था, लाइक पुदीना का कुछ बन रहा है किचन में, शायद कुछ यमी बन रहा होगा। तो अभी मैं क्लासेस अटेंड करूँगी और फिर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, तो देखते हैं क्या करती हूँ, तो मिलते हैं बाद में। मम्मी जल्दी, भूख लग रही है, वेट नहीं हो रहा ढोकला देखने के बाद, और स्पेशली पुदीना चटनी, वाओ। हाँ, बन गए बेटा, दो मिनट। और डुगी को भी ढोकला पसंद है, इसीलिए वो आके किचन में वेट कर रही है, इधर लाइन में लगी हुई है। मेरे बाद मुझे फर्स्ट चाहिए, मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं भी आके खड़ी हो गई हूँ लाइन में इधर। डुगी का ध्यान सिर्फ ढोकले पे ही है। मम्मी को बोलो जल्दी देंगे, मुझे भी भूख लग रही है। बोलो मम्मी को, डुगी को तो इतना ढोकला पसंद है, उसको तो सुबह से ही पता चल जाता है आज किचन में क्या बन रहा है, और सुबह से ही किचन में आके बैठ गई है। या इसको स्टीम्ड की हुई सारी चीजें पसंद है, कुछ भी स्टीम्ड हो तो फर्स्ट आके किचन में बैठ जाती है, और नहीं देते तो भोंकना स्टार्ट कर देती है। अभी मैं इसके पास हूँ इसीलिए कामली बैठी है। दो मिनट रुको, तुम्हारे लिए बिना तेल का ढोकला बन रहा है। डुगू के लिए बिना तेल का नहीं मम्मा, मेरे लिए। हाँ, उसके लिए भी, वो भी तेल नहीं खा सकती, राइट। हम इसको भी ऑयल फ्री फूड देते हैं, और मैं भी थोड़े दिनों से ऑयल खाना बंद कर चुकी हूँ। यस, डाइट कह लो कुछ भी कह लो, मैं ऑयल नहीं खा रही हूँ, घी भी नहीं खा रही हूँ। अभी ढोकले में जो छौका लगाया ना उसमें थोड़ा तेल था, बस उतना ही। डुगी देखो कैसी स्मेल कर रही है, इसको चाहिए, इसका ध्यान सिर्फ ढोकले में ही है। देखो इस, हे भगवान। ओ तो ये मम्मी ने खिला भी दिया इसको फर्स्ट पीस। मम्मी चीटिंग, मुझे फर्स्ट खाना चाहिए था, और ये सेकंड पीस भी खा लिया, तो मैं भी गाइस मिलती हूँ खाने के बाद। मैं तो किचन से बाहर भी आ चुकी हूँ, वो देखो डुगी, डुगी इधर आ, आ इधर, नहीं बस देख के आ रही है, नहीं वापस। इसका ध्यान सिर्फ उधर ही है, कोई भी बुलाएगा तो नहीं आएगी है, सिर्फ ढोकला चाहिए इसको, बस सारी दुनिया एक तरफ, ढोकला एक तरफ। और ये वापस बैठ गई है, ये तो आएगी नहीं अब। तो गाइज आई टेल यू व्हाट, आज क्या हुआ ना, पापा लाइक दोपहर में नमकीन लेके आ गए थे, और मैं ऑयली फूड लाइक कम्प्लीटली अवॉइड कर रही हूँ खाना। यहाँ तक तो मैं मॉम को ये भी कहती रहती हूँ, सब्जी में भी ऑयल मत यूज करो, ऑयल फ्री सब्जी बनाया करो, और रोटी भी बगैर घी के खा रही हूँ। लाइक घी तो अच्छा ही होता है, लेकिन थोड़े दिन के लिए मैंने सोचा ऑयल तो कम्प्लीटली छोड़ने का सोचा है मैंने, लाइक थोड़ा बहुत छोके के लिए, टेम्परिंग के लिए थोड़ा बहुत ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो हम रेगुलर यूज करते हैं ना उतना ऑयल नहीं कंज्यूम करना चाहती मैं। और घी को भी मैंने छोड़ दिया है खाना लाइक थोड़े दिन से। तो पापा सडनली नमकीन लेके आ गए, एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ एट ऑल, मेरा हाथ ऑलमोस्ट डब्बे में चला ही गया था नमकीन खाने के लिए, लेकिन मॉम ने बचा लिया मुझे आज। आई विल टेल यू दैट कैसे मॉम ने बचाया मेरे को अ लिटिल लेटर। तो उस चीज़ को ना स्नैक्स से मेरे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए मैंने सोचा कि शॉर्ट्स बनाते हैं। चलो शॉर्ट्स बनाने का मेरा कोई प्लान था नहीं, मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने शॉर्ट्स बनाने का सोचा। तो मैं आके रूम में रेडी हुई, और जब मैं फ़ोन लेती हूँ तो क्या देखती हूँ कि व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ है, सुबह जो क्लास कैंसिल हुई थी ना वो अभी हम लेंगे, 3 o'clock को आप लोग ज्वाइन हो जाना करके मैसेज आया था। एंड आई वाज लाइक क्या यार। ऐसे ही रेडी होके मैंने क्लास अटेंड की थी वो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास थी, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स क्लास था, और मैंने क्लास अटेंड की एंड देन मैंने शॉर्ट्स बनाया। एंड कमिंग ऑन टू दैट स्नैक्स वाला पार्ट, तो लिटरली गाइज मॉम वॉज माई सेवियर टुडे, मॉम ने ही बचाया मेरे को, नहीं तो मैं नहीं खा। मेरी तरीके से आज सूरज किस तरफ से होगा? अरे नहीं मम्मी, मैं इनको यही बता रही थी कि आपने मेरे को कैसे हेल्प किया स्नैक्स को रेजिस्ट करने में। नहीं, तो वो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैं कितनी बार सोचती हूँ मैं भी छोड़ दूंगी तला बुना खाना, लेकिन मैं एक बाइट के चक्कर में फिर से पैकेट खाना शुरू कर देती हूँ, इसीलिए हमको एक बाइट को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ तो वही, तो मैंने फाइनली वो एक पीस नहीं खाया। Nothing is impossible.
एंड इंस्टेंट मैंने उसके बदले एक ग्लास छाछ पी ली थी एंड आई होपफुली कंटिन्यू दिस सेम. नहीं लेकिन मैं जब नहीं रहूंगी तुम्हारे सामने तब भी तुम कंट्रोल करना तो ही तुम इसको छोड़ सकती हो. हाँ तो वही मम्मी स्टार्टिंग है ना बेबी स्टेप से तो होते होते होगा मेरे से तो होपफुली आई कंटिन्यू दिस सेम. तो चलो आप लोग भी गाइज जितना हो सके उतना जंक से दूर रहे. कभी कभार चीट डे चलता है वो तो मुझसे भी नहीं कंट्रोल होता. अभी तो देखेंगे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है. लॉकडाउन खुलने के बाद रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे तब तो पता नहीं क्या ही हाल होगा क्योंकि तभी पिज्जा वगैरह आई क्रेव फॉर दैट. तो चलो तब भी लाइक रो बहुत रेगुलर खाने से अच्छा आई फिक्स अ डेट लाइक एक चीट डे बोल के तो तब भी मैं खा लूंगी. तो देखते हैं कैसे होता है. खाली मेरे और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है ऐसे सबके साथ होता है. हमको उस एक बाइट को ही स्टॉप करना चाहिए होपफुली. नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर डू इट. तो स्टॉप दैट वन बाइट गाइस इट विल सेव अ लॉट. तो यही बोलते हुए चलो मिलते हैं बाद में. So that's about it guys. I hope you enjoyed my today's video and today's learning was key stop that one bite. Trust me guys that helps a lot in reducing your weight or save for a healthy lifestyle. You know aap sirf oil ko reduce karne se start kar sakte ho aur oilless sabzi bhi utni hi tasty lagti hai. In fact bina oil ke sabzi banate hai na to wo sabzi ka taste enhance ho jata hai. एंड मुझे भी लगता था कि ऑयलेस फूड टेस्टलेस होगा एंड मैं नहीं खा पाऊंगी लेकिन दैट वाज अ मिसकंसेप्शन. ऑयलेस सब्जियां एंड ऑयलेस फूड लाइक सारे नहीं टू एन एक्सटेंट दे टेस्ट वे बेटर. सो या दैट्स ऑल स्टॉप दैट वन बाइट गाइस. तो मैं इधर ही अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ. सो गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.